गाइस वेलकम बैक टू YouTube चैनल दिस योर फ्रेंड गर्लफ्रेंड भाई। दोस्तों आज के ब्लॉग आपको फिर से लेके जा रहा हूं अपने साथ करोलबाग जयऑटो, जहां पे कि हमारे पास रहने वाली है अर्टिगा। जी हां, कि एकदम बेस मॉडल रहने वाला है जिसके अंदर हम काफी भयंकर काम करने वाले हैं, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपने थोड़ी झलक देख ली है, बट स्टिल अंदर भी काफी स्पेशल काम हुआ है उसके अंदर, जो कि आप लोगों को देखना चाहिए। साथ साथ आपको एक बार रनिंग में बता देता हूं, जो हमारी गाड़ी में रहने वाली है उसमें काफी अच्छा काम हुआ है। फ्रंट में लाइट्स को लेके काम हुआ है, प्रोजेक्टर डले हैं, चाइडी डली है, रेयर पे हमने रिफ्लेक्टर इंस्टॉल किए हैं, डिफ्यूजर लगाया है, स्पॉइलर है, तो और इंटीरियर के अंदर वुडन में वर्क किया, तो काफी सारा काम आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको करोलबाग। फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में इसके अंदर काफी सारा अच्छा काम आपको देखने के लिए मिलेगा। सब देख पा रहे DRL में इंस्टॉल की गई है, साथ में हेडलाइट के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं DRL भी, जो कि स्ट्रिप DRL विद फोल्डिंग इंडिकेटर्स रहने वाले हैं, जो कि जब आप इस पार्किंग को ऑफ करेंगे तो सिंपल एकदम सिंपल सुपर वाइट जलने वाली है। साथ में इसमें हमने पार्किंग में IPS का प्रोजेक्टर इसके अंदर इंस्टॉल किया है। एक बार मैं इसको नॉर्मल आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, और ये रहने वाली इसकी लुक, जो कि DRL रहने वाली है, डे रनिंग रहने वाली है। देख लो भाइयों, गाड़ी के लुक ये तक एनहांस कर रही है, और अगर अंधेरे में खड़ी कर दोगे तो लुक ही एक अलग आएगी इसकी। और अभी आपको अगर इंटीरियर में लेके चलूँ तो इंटीरियर में इसके अंदर आप जो देखने वाले हैं सबसे ज़्यादा गाड़ी की लुक को इनहांस करने वाली चीज़ वो रहने वाली है इसका वुडन वर्क। भैया ये हमारे पास सिंपल सुपर आया था ना, हमारे पास सिंपल था गाड़ी, बेसिक मॉडल था। मतलब ये किस कलर का रहने वाला था पहले? कस्टमर की डिमांड है जो मेरे को टॉप मॉडल में जो आते हैं वुडन आता है। अच्छा, वुडन चाहिए थी। हां, टॉप मॉडल वाली ये चीज है, टॉप मॉडल वाली वुडन चाहिए थी भाई, ये वुडन हो गया। पहले कौन से कलर का था भैया? अरे नॉर्मली था, तो सिल्वर ग्रे टाइप, सिल्वर ग्रे टाइप की लाइन थी। अब ये ने इसके अंदर जस्ट को वुडन में करवा दिया है पूरा। देख लो ये गाड़ी की लुक पूरी एनहांस हो गई है इससे, पूरा वुडन हुआ है हमारा, ये पूरा वुडन वर्क है। साथ गाड़ी के अंदर हमने डाली है फुट पट्टी, साथ में हमने इसके अंदर लेदर मैट फ्लोरिंग भी करी है। लेदर मैट फ्लोरिंग बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बंदों को चीज़ों को जो है गिरने से, क्लीन करने से, और कई हद तक जो है एक सिंपल गली से कपड़ा मार के पूरी गाड़ी जो है क्लीन हो जाती है। जिस तरह का इंटीरियर यहाँ पे रहने वाला है हमारा बेज कलर का, उसी पर सीट्स कवर भी रेडी हो गई है। रेयर में लेके चलूँ अगर, और ये अपनी रेयर रहने वाली है जहाँ पे अभी एक डोर लगना बाकी है, बट सीट आप सीट से कर लो पूरा प्रॉपर। इसमें आर्मरेस्ट भी है, और ये हमारा वुडन पीस जो हमने करवाया है, देखा ना भैया, पहले ये एकदम नॉर्मल रहने वाला था सिल्वर में, अब ये एकदम वुडन में होकर आया है। देख लो भाइयों, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लगा दो भैया। तो गाड़ी की एक नैंस हो जाएगी, बहुत बढ़िया लगने वाला है। ओके, अब फ्रंट की बात करूँ तो हेड यूनिट की बात करूँ तो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो रहने वाला है, जो कि हमारा 10 इंची रहने वाला है। इसमें जो है आपको इसके साथ आपको मिलेगा गाड़ी के अंदर कंपनी के स्टॉक स्पीकर सब इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, जो कि एकदम स्टॉक रहने वाले हैं। भैया ने कोई कंपोनेंट्स वगैरह इंस्टॉल नहीं करे, सिंपल सोबर म्यूजिक में ज़्यादा नहीं किया, म्यूजिक के ऊपर सिंपल सोबर हमने हेड यूनिट इसके अंदर इंस्टॉल किए, और कंपनी के जो स्पीकर लगे हुए हैं उसका क्या आउटपुट सुनाने का ऐसा मतलब बनता नहीं है, पर डिस्प्ले की क्वालिटी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और यहाँ पे अपना गेट इंस्टॉल होते हुए भाइयों, पहले ये सिंपल सुपर रहने वाला था, एकदम सिंपल सुपर रहने वाला था, अब भैया ने जिसके अंदर इंस्टॉल किया, ये वुडन में काम किया है, जो कि गाड़ी के लोगों को कहता है एनहांस कर रहा है। टायर की बात करूँ उसमें हमने डाली है पिलर लाइट इंस्टॉल की है, जो कि काफ़ी गाड़ियों में जो है अब आनी स्टार्ट हो गई है, स्विफ्ट सिलेरियो वगैरह में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में जो आनी स्टार्ट हो गई है, जो कि पिलर लाइट रहने वाली है हमारी पीछे की, जो कि हमारी मैट्रिक्स में रहने वाली है, जब इंडिकेटर अपना देंगे तो साथ में रन करेगा। और साथ में रिफ्लेक्टर इसके अंदर इंस्टॉल किया है, रिफ्लेक्टर भी मैं आपको दिखा चुका हूँ स्टार्टिंग में, रिफ्लेक्टर भी हमारा जो है पार्किंग में ऑन होता है, साथ साथ जो है इंडिकेटर जब देंगे तो इंडिकेटर के जो है रनिंग भी करेगा। साथ में सबसे बड़ी चीज़ इसमें अंदर रहने वाली है इसका डिफ्यूज़र। तो फाइनली यहाँ पे हो गई हमारी अर्टिगा पूरी तरह रेडी, तो मेरे साथ भैया जुड़ गए जो हमको पूरी गाड़ी के बारे में डिटेल में बताएंगे बम्पर टू बम्पर। भैया स्टार्ट करते हैं बम्पर टू बम्पर गाड़ी का। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने DRL आई ब्रो लाइट लगाए हैं, नीचे DRL। ओके भैया, ये इसके मैं HID और LED दिखाता हूँ। अच्छा, HID LED ये इसकी ऑन करके दिखा रहे हैं। ये रिस्पॉन्स चेक कर लो भाइयों, बेस हमने क्या क्या लगाया इसके अंदर, हमने IPS के चाहे वो डाले, IPS का प्रोजेक्टर, और इसके अंदर जो हमने चाइडी डाले हैं वो जिमर के डाले हैं, जो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक भैया, और इसके अंदर हमने LED सेटअप डाले हैं, LED इंस्टॉल करी है। हाँ जी। अच्छा, इनके प्रोजेक्टर ऑलरेडी कंपनी फिटेड था। हाँ, इसके अंदर हमने LED फिटमेंट किया, वो भी जिमर का है। जिमर का, ठीक है भैया, मैं आपको दिखा दूंगा कौन सी वाली रहने वाली है। ठीक ठीक, आगे आप आइए।
इसके अंदर साइड मोल्डिंग वही आगे हम बात करें तो इसके अंदर हमने लगाए हैं भाई। आप देख सकते हैं बिल्कुल एंड पॉइंट तक दिया, यहाँ तक पूरे एंड तक है। आप कई जगह पे देखोगे जो सिर्फ यहीं तक लगा देते हैं, हमारी पूरी पूरी एंड तक है। डोर वाइजर यही आप देख सकते हैं, ठीक है। हम चलेंगे इसके रेयर पे, जो कि रेयर बहुत अट्रैक्टिव है इसका। जो आप इसके स्पॉइलर देख सकते हैं, प्योर एबीएस के रहने वाला है, पूरा एबीएस एबीएस का स्पॉइलर हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है, ठीक भैया। और इसके कूलर लाइट रहने वाला है। बात करें तो नीचे हम इसके अंदर रिफ्लेक्टर लाइट लगाए हैं, रिफ्लेक्टर में भी लाइट डाली भाई। आगे इसके अंदर हमने डिक्की पट्टी लगाए हैं, डिक्की पट्टी क्रोम की रहती है, कैमरा लगने वाला है, ठीक है भैया। सबसे बढ़िया चीज जो रहने वाली वो उसका डिफ्यूजर रहने वाला है, जो गाड़ी के लुक को जाके एनहांस करेगा। वो अगर आप अंदर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अंदर की, तो गाड़ी के अंदर आपको लेके आए हैं। तो भैया हम हमारे ये पूछना चाहूंगा, पहले जो हमने इसके बूढ़े ना मैं दिखा रहा हूँ अपने व्यूअर्स को, तो ये सिंपल रहने वाला था पहले? ये वुडन आपने किया है? हाँ, बेस मॉडल कार है जिसके अंदर वुडन नहीं था पहले, ठीक है भैया। हमने इसके अंदर वुडन किया, जो कि मैं दिखा सकता हूँ, ये पूरी वुडन है भैया, पूरी वुडन ड्यूल टोन में हमने किया है, नीचे ब्लैक है पार्ट। अगर हमें पूरा कर देते हैं वुडन तो फिर गेटअप नहीं बनता, अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो ड्यूल टोन में हमने बनाया और वही आगे आप देख सकते हो पूरा पार्ट वुडन रहने वाला, हमने वुडन बनाया पूरा वहाँ तक देख भाई। अच्छा भैया एक चीज पूछना चाहूंगा, पहले कौन से कलर का था? नॉर्मली इसी कलर का था। अच्छा नॉर्मल था? हाँ नॉर्मली था। अच्छा और साथ में हमने इसके अंदर एड यूनिट एयर यूनिट डाले हैं, ठीक भैया। और इसके अंदर हमने डाले हैं एक तो सीट कवर 7D मैट और नीचे की फ्लोरिंग। सीट कवर चेक कर लो एक बार, सिंपल से फस्टिकेटेड और 7D मैट, नीचे की मैट हमने डाली है 7D मैट रहने वाली, इसमें फ्लोरिंग भी है, नीचे फ्लोरिंग, ठीक भैया। एक वेलकम प्लेट रहने वाली है, एक अंदर लाइट रहने वाली कैबिन लाइट, कैबिन लाइट है हाँ, जो भी दिख रही है ब्लू कलर की गाड़ी अंदर से एनहांस हो रही, रात के टाइम अच्छी लग रही है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, देखो भाई गाड़ी इस टाइम बहुत प्यारी लग रही है रात के टाइम अंधेरे में, सुबह के टाइम तो नहीं लेकिन रात के टाइम ये लाइट का असर आपको दिखेगा, बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी इस टाइम पे। इसके अंदर अगर और वुडन जो हमने पार्ट किए वो भी दिखा दो। हाँ जी भैया, रेयर भी किया हमने, सिर्फ वुडन पे काम, रेयर भी हमने किए हैं। और जो हमने सबसे हटके क्यों इसके अंदर सबसे हटके जो पीछे वाला पार्ट भी दिया हमने। ओ वाओ भाई देख लो, हमने इसके डिगी का ही पार्ट करा है। हाँ ये अच्छा किया गया, मैक्सिमम छोड़ देते हैं। हाँ ये नहीं है कि फ्रंट कुछ और दिख रहा है बैक कुछ, पूरी गाड़ी में आगे से पीछे तक हमने वुडन हमने पूरा काम किया, ठीक। और हमारे भाई साहब की सबसे बड़ी डिमांड था ओके वुडन कुछ हटके करना है। अच्छा मतलब वुडन टच चाहिए था गाड़ी के अंदर, भाई साहब की डिमांड पे हुआ। अरे ये वाला टोन दिया है वुडन वाला, ये काफी डिफरेंट है, डिफरेंट ये रहने वाला है। सबसे बड़ी बात वो है इसका जो वुडन की कलर है ये टॉप मॉडल वाली रहने वाला है, ठीक। हमने इसके पीछे जो दो पार्ट किए हैं वो एक्स्ट्रा किए। अच्छा एक्स्ट्रा किए ताकि गाड़ी मैच रहे। भैया ने भैया की डिमांड चाह रखी थी आपने सही करके दिया, ये तो पीछे हमने कर दी एक्स्ट्रा, जो पीछे भी बैठने वाले को थोड़ी सी गटअप लगे, गटअप लगे कि मैं डिक्की में बैठा हूं। हां सही बात है। और बाकी ये रहने वाला है तो अगर गाड़ी में आगे बैठे तो ये ना पता चले कि हम लो मॉडल में बैठे हुए हैं। सही बात है, बिल्कुल ZDI प्लस वाला लुक है, ZDI प्लस वाला पूरा लुक हो गया इस टाइम पे। इंटीरियर का जाम बात करते हैं। और भैया आप ही गाड़ी रहने वाले, भैया कैसी लगी आपको गाड़ी? अब ठीक हो भैया, अच्छी लग रही है, मतलब जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन थी वैसी लग रही है, जैसे आप सोच के आए थे उस हिसाब से बनी है। काफ़ी बेहतर। तो कितने मार्क्स देंगे 10 में से आप भैया को? 9 भैया, एक मार्क्स यू काट रहे हो भैया का आप, एक मार्क्स इनके भाई साहब जो एक और है वो दे देंगे। अच्छा चलो आने वाले हैं। अच्छा वो देंगे, ठीक। सो भैया ने जैसे बताया था कि अभी 10 में से हम 9 नंबर देंगे, तो एक नंबर भैया जो रह गया था उसके बारे में भाई साहब देंगे। तो भैया कैसा लगा आपको काम भैया 10 में से? बढ़िया काम भाई, बहुत अच्छा काम। आप कहाँ से आए भैया? हमारी यूपी से रामपुर से आगे बरेली से आए हो जी। तो मतलब बरेली से आप स्पेशल काम करवाने आए थे जी। चलो बढ़िया, आपको काम अच्छा लगा? बढ़िया लगा, सेटिस्फाइड हो पूरे? चलो थैंक यू सो मच। तो भैया आपका काम हमेशा की तरह हमारे कस्टमर्स को पसंद आया, तो लेट्स सी आगे भी अगर भी आपको काम पसंद आया तो अपने दोस्तों वगैरह को बताओगे? जरूर आगे गाड़ी भी लेके आएंगे और अच्छा। चलो भैया तो यहाँ पे हमारे कस्टमर है सेटिस्फाइड हमसे। भैया
पूरी तरह सेटिस्फाइड रहने वाले। सो भैया आप भी आ सकते हो अपनी गाड़ी लेके, अगर आपने आपको भी इस तरह का कुछ काम और गाड़ी सबको लिए बता सकता हूँ कि जो मैंने गाड़ी तैयार किया है पूरा 55,000 रुपये में मैंने पूरी गाड़ी तैयार करके दी। 55,000 हाँ 55,000 रुपये मैंने पूरी गाड़ी तैयार करके दिया है। ठीक, जिनको काम करवाना हो इस 55,000 रुपये में इतना काम करवा सकते हैं। ठीक, 55,000 में आपने काम करवा सकते हैं। आएंगे बोलेंगे कि नहीं आपने तो उनको कम में कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो इसलिए जो है चलो ये ठीक है, जो बात है आपके सामने क्लियर है। 55,000 पूरी गाड़ी हुई है, कितना पेमेंट किए हैं? ठीक है भैया, हमारी तरफ से नहीं कि कस्टमर को गलत, सारा काम हमने कराया कुल मिलाकर अपने पसंद के अकॉर्डिंग कराया। चलो बढ़िया, अपने पसंद से कराया ना काम, चलो ठीक है। यहाँ पे हमारे कस्टमर्स थे भैया थे जिन जो कि पूरी तरह सेटिस्फाइड है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चाहिए, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन जरूर दबाना, नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे और ब्लॉग्स। चलिए मिलते हैं आपको फ्यूचर में और ब्लॉग्स के साथ। टिल देन।